या तो मरेंगे या तो सरकार झुकेगी। घर ले के आईली जलपान किसान भैया धरती के तो ही बारदा। अब जुबरकर तय करेगा, अब वो तय करेगा हम खेत में क्या फसल लगाएंगे। नमस्कार, आज इस बिहार देख रहे हैं आप, मेरा नाम उदित तारण है। भारत बंद आज किया गया है, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। अभी हम डाकबंगला चौराहा पर मौजूद हैं, पटना का हाट माना जाता है, और ये तो तमाम लोग आप देख रहे हैं दृश्यों में, ये तमाम लोग जन अधिकार पार्टी यानी कि पप्पू यादव की पार्टी से हैं। पप्पू यादव खुद यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं अपने तमाम समर्थकों के साथ। कृषि बिल जो पास हुआ है जिसके खिलाफ पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें बिहार अब पीछे छूट रहा था, तो उसी को तूल देने के लिए जो तमाम विपक्षी दल हैं वे आज भारत बंद करा रहे हैं। और हम चलते हैं पप्पू यादव जी के पास और सीधा उनसे ही जानते हैं क्या क्या उनकी मांग है सरकार से। सर, नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में तो पहले से लागू है प्रक्रिया है। अब नीतीश बाबू तो पहले बादल को समझाए, उनका जो घटक है एनडीए में वो आज सड़क पर है। और नीतीश बाबू से ये पूछिए, पैक्स दलाल और पदाधिकारी के हाथ में गिरवी रखता है। और नीतीश बाबू से पूछिए सीमांत किसान और बट्टेदार दहियारी मजदूर ज़्यादा है, किसान कितना है बिहार में, और बाढ़ और सुखाड़ में हम बर्बाद हैं। और एक तरफ मक्का, एक तरफ धान, एक तरफ गन्ना, एक तरफ गेहूँ, तो हम चारों यहाँ की भौगोलिक दृष्टि अलग है। उत्तर पश्चिम में या तो गन्ना है या तो धान है, पंजाब में या तो गन्ना या तो धान है, आलू है, तो आलू 5 रुपये में आप लेते हो, 50 में बेचते हो। और हमारा जो सीमांत किसान है उसको उसका फसल आप खेत में बिचौलिया ले लेता, और पूरा का पूरा धान डंप हुआ है और 600 रुपया में भी नहीं मिलता है, 700 रुपया में। आप मंडी सिस्टम को लागू करो ना जनाब, लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मंडी सिस्टम को लागू करो। आप ये बताओ और लिखित दो आप, 23 दिन 3 घंटा में 23 कानून लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। जुबरकर जी, गूगल के मालिक अदानी आएंगे मेरे घर, जमाखोरों को राइट दोगे। बापू जी, कहीं भी बेच सकते हैं, उससे क्या दिक्कत है आखिर? किसान जो है कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं। भैया, मुझे तो समझ में नहीं आता है, जब मैं आज मेरा फसल डंप है, दलालों के बीच में है, सब कुछ समाप्त पड़ा हुआ है, उसको तो समझ में नहीं आता है कि हमको मंडी, हम कह रहे हैं, किसान कह रहा है मंडी में हमको लिखित दो ना, हम अपना कर लेंगे। आप जुबरकर तय करेगा, अब वो तय करेगा हम खेत में क्या फसल लगाएंगे और हमारी क्वालिटी कैसी है, क्या सरकार झुकेगी, वो तय करेगा। आज जमाखोरी होगी, लेकिन वार्ता लगातार विफल होते जा रहा है, क्या बात पड़ेगा? भैया, 16 से अनिश्चितकालीन धरना, 28 से किसान मजदूर अधिकार यात्रा। सरकार झुकेगी, या तो मरेंगे या तो सरकार झुकेगी, या तो हम मरेंगे। तो ये पप्पू यादव जी हैं जो डाकबंगला चौराहा पर इस समय मौजूद हैं, और इनके जो तमाम समर्थक हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, पर फिलहाल सिर्फ जन अधिकार पार्टी के लोग ही यहाँ पर दिख रहे हैं। और अन्य जो राजनीतिक विपक्षी दल हैं जिसमें राजद एक बड़ा पार्टी है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से इस मूवमेंट में नदारद है। आज भारत बंद का है और राजद का समर्थन फिलहाल नहीं दिख रहा है। बने रहे इस बिहार के साथ, धन्यवाद।